नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर कर्नाटक चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय मैं हूँ टीपू सुल्तान की जो एक समय राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पर। और ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है त्रिवेणी। यहाँ पर तीन नदियाँ मिलती हैं और इन तीन नदियों के मिलन पर ही टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को बनाया था। हम सब जानते हैं, सिर्फ पिछले 5 साल से नहीं, पिछले कुछ समय से टीपू सुल्तान को भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, या फिर उनकी उपद्रवी ब्रिगेड, उन सब ने एक कर्नाटक के विलन के तौर पर पेश करने की पूरी साजिश की। लेकिन एक बात जो यहाँ की कर्नाटक की जनता जानती है और शायद आज भी यहाँ पर लोग आते हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है, उसके प्रति उन्हें आस्था कम नहीं। आपका क्या नाम है और आप ये क्या जगह है जिसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं? मेरा नाम अलीम है, हम हॉर्स राइडिंग कराते हैं। अच्छा, कावेरी बोलते हैं, कावेरी लोक का पानी हेमावत, ये दो आता है, ये वाला दो आता है। अच्छा, ये वाला एक आता है, ये तीनों मिलके आए थे तमिलनाडु जाते हैं। अभी तमिलनाडु जाते हैं? हाँ, तमिलनाडु। ये बताएं कि ये इस जगह की क्या खासियत है त्रिवेणी की, और यहाँ पर टीपू सुल्तान की राजधानी रही है, कैसे आज लोग आते हैं? आज अभी इधर क्या चल रहा बोले तो वो अस्थि बोलते मालूम, अस्थि इधर छोड़ने आते हैं कावेरी में, वो आदमी को जलाने के बाद इधर लेके आते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, वो इधर में नोटेड है, इधर में यही है। वो पहले के ज़माने में वो आदमी बोलते हैं कि वजू बनाने आते थे, जो नमाज पढ़ते थे ना, तो इधर घूमने आते, वजू बनाने आते, ऐसा था, ऐसे बोलते हैं। अभी नहीं आते वजू के लिए? अभी नहीं आते, वो उधर ही है ना गुम्बज, उधर में भी है। अच्छा, वहाँ पर। हाँ, आप वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। क्या लग रहा है इन चुनाव में क्या होगा, क्या मुद्दा है? चुनाव में क्या होगा ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती हमारे, लेकिन मुद्दा तो हमारा होता है ना, वोट तो हम डालते हैं। वोट तो हम डालते हैं, लेकिन कौन किसको डालता है किसको पता नहीं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुद्दा क्या है, जैसे लोग बताते हैं कि करप्शन एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, उधर वो बोलते हैं बजरंग बली भी एक मुद्दा है, तो आपके वो क्या लगता है, क्या असल मुद्दा है? वो समझ में नहीं आता मैडम, वो सब हम इधर में छोड़ा यवारा करती घर चले जाते हैं, नहीं समझ में आता है। यहाँ ऐसा लगता है क्या कि हिंदू मुसलमान में नफरत ज़्यादा है कर्नाटक में? कर्नाटक में दूसरी जगह होगा, लेकिन इधर में नहीं है, इधर में सब मिलजुल के रहते हैं, ये श्रीरंगपट्टनम है ना, इधर में सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ नफरत नहीं है, यहाँ नफरत नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ और जाननी थी कि टीपू सुल्तान को लेकर भी अलग अलग बातें होती हैं, कहते हैं कि वो बहुत खराब आदमी था, उसका नाम कर्नाटक से हट जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो सब झूठ बोलते हैं मैडम, ऐसा होता तो ये सब रहता क्या, तोड़ के भिड़का देते तभी, है ना, गलत आदमी का कुछ रखते हैं क्या आप? नहीं रखते ना, ये सही है, इसीलिए है, पहले भी आदमी थे अब भी हैं, है ना, सही है इसीलिए रखा छोड़ा है, नहीं तो तभी तोड़ देते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी शायद अंदर ही अंदर ये सवाल पूछ रही है कि जहाँ पिछले 5-7 साल टीपू सुल्तान भारतीय जनता पार्टी के लगातार निशाने पर था, उन्हें ध्वस्त करने, उनकी जो विरासत थी उसे मटियामेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, वही मुद्दा इस बार चुनाव में क्यों नहीं है? यही बात हलाल और हिजाब पर भी लागू होती है। हम सब ने देखा था, देश और दुनिया देख रही थी कि कर्नाटक किस तरह से भगवा उग्रपंथ का एक पूरी की पूरी लेबोरेटरी में तब्दील हो गया था, और यहाँ जो प्रयोगशाला थी उसमें सबसे बड़े औजार हिजाब और हलाल था, इकोनॉमिक बायकॉट था। लेकिन आप ये पूरा चुनाव प्रचार देख लीजिए, ये मुद्दे गायब हैं। इस बार उन्हें सहारा दूसरे मुद्दों पर है, योगी पर है, और योगी अपने भाषण में लगातार राम के बाद हनुमान को एक नए उग्र नेता के तौर पर, धार्मिक भगवान के तौर पर पेश करने और हिंदुओं को गोलबंद करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं करता है, लगातार हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है, वे बस अपने लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए, आम आदमी का कोई फायदा नहीं है। गैस पर भी टैक्स है, खाने जिंदा रहने की हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया है, सबको परेशान कर रखा है, और वे बस अपना फायदा देखते हैं,
कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारे इलाके में जेडीएस ही आएगी। ये बात भी साफ समझ आती है कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 से क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं से उसका गेटवे ऑफ साउथ शुरू होता है। दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है जहां खरीद फरोख्त करके ही सही भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपनी सरकार बनाती आई है, बाकी किसी राज्य में अभी उसे कोई बढ़त नहीं मिली है। और यहां पर अगर यह विधानसभा चुनाव मोदी सरकार और मोदी के खुद के इतने ज़्यादा रोड शो और प्रचार के बाद वो हारती है, तो निश्चित तौर पर इसका असर, सीधा असर 2024 पर पड़ेगा। वहीं विपक्ष अगर हारता है, कांग्रेस अगर हारती है, जनता दल एस हारती है, तो भी 2024 के विपक्ष की रणनीति पर इसका भारी असर पड़ने जा रहा है। ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ। महंगाई अपनी चरम पर पहुंच गई है, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चाहे सब्जियां हों, अनाज हों, दवाई हो या पढ़ाई हो, हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बेहिसाब बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर पिछड़े तबके की स्कॉलरशिप की बात की जाए, जो छात्रों को पढ़ाई करने के लिए मिल रही थी, वो भी प्रभावित हुई है। उन स्कॉलरशिप्स को भी बंद कर दिया गया है, तो कहीं रोक दिया गया है। बिलो पावर्टी लाइन यानी बीपीएल धारकों को भी जो अनाज सरकार की तरफ से दिया जाता था, जो हमें अनाज मिलता था, उस पर भी कहीं ना कहीं मार पड़ी है। और वो अनाज भी अब हम तक या तो पहुंचता है तो बेहद ही ख़राब हालत में पहुंचता है, खाने योग्य नहीं होता है और उसे खा करके हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इस स्थिति का अनाज हम तक पहुँच रहा है, वैसे अनाज को खाया नहीं जा सकता है। कर्नाटक चुनाव बहुत दूर तक अपनी छाप छोड़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में। भले ही जीत किसी की भी हो, लेकिन कर्नाटक से बहुत सी चीज़ें तय होने जा रही हैं। सबसे पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और ट्रंप कार्ड नहीं है। किसी भी राज्य में कहीं पर भी चुनाव हो, चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी होते हैं, और इसे लेकर एक बड़े पैमाने पर बेचैनी कर्नाटक की धरती में कम से कम बहुत साफ दिखाई दी। साथ ही सवाल उठे, और बहुत गंभीर सवाल उठे, उनके अनगिनत रोड शो को लेकर। यहाँ पर कर्नाटक की जनता काफ़ी त्रस्त है और बार बार यह पूछ भी रही है कि आखिर ऐसा खास क्या है कर्नाटक में कि प्रधानमंत्री सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की धरती पर जमे हुए हैं, यहाँ प्रचार कर रहे हैं, जबकि हम सब देख रहे हैं कि आसपास मणिपुर जल रहा है, जम्मू कश्मीर में संकट है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ हैं। एक मतदाता ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जितना करोड़ों रुपए वे अपनी विजिट पे खर्च कर रहे हैं, शो पे खर्च कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा भी अगर वह जन कल्याण में खर्च करते, महंगाई कम करते, तो देश का और कर्नाटक का भला होता। बट तुम्बा सारी बीजेपी और इष्टोंदो प्रधान और अष्टोंद कैंसर, ये सिर्फ मोदी सरकार की ही कारस्तानी है कि हम और हमारे जैसे गरीब लोग इतना सब कुछ झेल रहे हैं।